मध्य प्रदेश जो कभी शांति का टापू हुआ करता था, वहां पर भी अब आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। वो चाहे नीमच जिले के सिंगरौली में आदिवासी युवक को असामाजिक तत्वों द्वारा वाहन से बांधकर बेरहमी से पीट कर हत्या करने का मामला हो, चाहे देवास के हाट पिपलिया में फेरी लगाकर जीरा बेचने वाले युवक से आधार कार्ड मांगकर अभद्र व्यवहार करना, और इंदौर में फेरी लगाकर चूड़ी बेचने वाले युवक को भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटने जैसी घटनाओं से मध्य प्रदेश में आदिवासी अल्पसंख्यक समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अमन और शांति के टापू मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ कर इन असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यवाही पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन अल्पसंख्यक विकास कमेटी भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा सौंपा गया है। इस अवसर पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर भी मौजूद थी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा हत्यारों को फांसी दिए जाने के नारे लगाए जा रहे थे, जिसे रोकते हुए मेघा पाटकर ने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ है, हम किसी भी तरीके की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते। हत्यारों के खिलाफ सख्त सख्त कार्यवाही हो, उन्हें अजन्म कारावास दिया जाए। कसरावास से अखिल खान की रिपोर्ट। और पहले चांदन खेड़ी में मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार आज हुआ है, हो रहा है, वो अत्यंत घृणास्पद है। जैसे हरियाणा में खट्टर सरकार किसानों के ऊपर हिंसक हमले कर रही है, वैसे ही मध्य प्रदेश में हमले हो रहे हैं। और ऐसे निरपराध लोगों पर जो अहिंसक है, जो सत्य के ही आधार लेकर कुछ बात उठाते हैं, तो ऐसे अतिक्रमणदार जिनके घर बाद में नीमच में तोड़े जाने पड़े, वो इतनी गुर्मी से कैसे पेश आते हैं? कहीं ना कहीं शासन का आशीर्वाद लेकर ये ऐसा काम करते हैं। तो नीमच की घटना हो या इंदौर की घटना हो, दोषी अधिकारियों पर सजा होना चाहिए, दोषियों पर सजा की कार्यवाही होनी चाहिए। पर अगर अधिकारी दखल नहीं ले तो उसकी भी दखल समाज ने लेनी चाहिए। आज जैश संगठन के साथी यहाँ एक आवेदन भीम आर्मी और जैश के साथी जो आए हैं, वो यही दलित आदिवासियों के जीने के अधिकार से लेकर रोजगार के अधिकार तक के सवाल उठा रहे हैं। हम भी इस नीमच के हत्या का निषेध करते हैं और तत्काल और आगे जाकर भी कार्रवाई हो। 302 की धारा के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे हरियाणा के उस अधिकारी पर जो कि कहा कि जिसने कहा कि सर फोड़ो, और उसमें एक साथी का देहांत हो गया। तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम इन मुद्दों पर आपके साथ हैं। जिंदाबाद। मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, कितने आंदोलन हो रहे हैं उसके बावजूद भी ये, तो इसमें क्या पूरी तरीके से कानून या समाज को भी आगे आना होगा, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल, ये केवल कानूनी लड़ाई से नहीं चलेगा, क्योंकि ये सामाजिक भावना दुर्भावना की तरफ बढ़ रही है। जातिवाद और हर प्रकार का विभाजन, धर्मांधता हो या और न्याय और समता के खिलाफ विषमता और गैर बराबरी के पक्ष में हो, जब सरकार की नीतियां बदल रही है तो समाज की भावना और विचार भी बदल रहे हैं। और इसीलिए उनको समता और न्याय की तरफ खींच के लाना संविधान के आधार पर हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए जहां भी जिस भी मुद्दे पर इस प्रकार की अमानवीय हकीकत सामने आती है, उसको लेकर आवाज उठाना ही चाहिए। ये हमें लगता है आज युवाओं ने यहाँ आकर ये आवाज उठाया है। तो सेंचुरी से श्रमिक जनता संघ की तरफ से और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।